हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं 31 ईयर वाले प्रॉब्लम कर रहे थे हम, और आज हम लोग का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, NLM। ठीक है, NLM से कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलो देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को समझो, फिर उस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2020 में आया था, और ये एकदम मतलब सब लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नीट का जो तैयारी कर रहा है शायद ही कोई बच्चा जो इसको न कर सके। ये कहता है कि ये पुली है, पुली मासलेस है, और जब कभी भी बताया नहीं जाएगा तो स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल सिचुएशन है, पुली रोटेट नहीं कर रही है, एटवुड मशीन है। ठीक है ना, पढ़े हो ना एटवुड मशीन। तो चलो, ये कहता है कि 6 kg या 4 kg का ऐसे हैंग कर दोगे तो 6 kg वाला इधर एक्सलेट करेगा और 4 kg वाला ऊपर एक्सलेट करेगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन सेम होता है तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन निकालना है जी के टर्म में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको करने का जो मतलब प्रोसेस है वो क्या है, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कैसे कर पाओगे। पहले प्रोसेस से करना, प्रोसेस क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, प्रोसेस होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। 3 स्टेप में लॉज ऑफ मोशन के अधिकतर क्वेश्चन बड़े वाले होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इक्वेशन लिखना, अननोन के लिए सॉल्व करना। 3 स्टेप अगर आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सही सही फोर्सेस दिखाना, टेंशन 6 kg वाले पे टेंशन T ऊपर लग रहा होगा और 6G नीचे लग रहा होगा, और ये एक्सलेशन से इधर आ रहा है। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इक्वेशन लिख दो। ठीक है, चलो पहले इसका भी बना लो, 4 kg वाला का टेंशन ऊपर लगेगा और 4G नीचे लगेगा, और एक्सलेशन से मैग्नीट्यूड से ऊपर जाएगा। एक्सलेशन दोनों में अलग है पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन सेम है। ठीक है, एक्सलेशन ही डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो नीचे लग रहा है ना भाई, एक्सलेशन नीचे लग रहा है तो 6G टेंशन से अधिक होगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, पहले वाला का इक्वेशन 6G माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास 6 इज इक्वल टू, एम इक्वेशन नंबर 1 क्या लगाते हैं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एम ए, ये वाला इक्वेशन लगाते हैं नेट फोर्स। अगर नीचे 60 न्यूटन लग रहा है तो ऊपर 50 न्यूटन लग रहा होगा, तभी तो 10 न्यूटन नेट नीचे लग गया जिससे नीचे जा रहा है, आया समझ में ना। चलो ये टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है, T-4G दैट इज इक्वल टू 4A। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और टेंशन और एक्सलेशन निकल जाता है। तो चलो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो ऐड कर दूंगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, और 6G में से 6G माइनस 4G दैट इज इक्वल टू 10A, मतलब एक्सलेशन A की वैल्यू आ जाएगी 2G/10, मतलब ये आ जाएगा G/5। तो एक्सलेशन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन G/5, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑप्शन सही है। और ऐसे क्वेश्चन को जब आप, अगर मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर कहीं देखे होगे आप, तो मैं आपको बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये प्रोसेस लंबा होता है यार। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने को एक्सलेशन निकालना ना, तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ नेट मासेस। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, एक्सलेशन निकालने का शॉर्टकट ये है, टेंशन निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था मैं, टेंशन फॉरवर्ड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड मास एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड कौन होता है, जो पुल करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो पुल करता है इसको, जो है एक्चुअली 6G पुल कर रहा है और इधर इसको 4G पुल कर रहा है। ठीक है, इसको 6G नेट फोर्स नीचे खींच रहा है, ये फॉरवर्ड फोर्स है, और ये नीचे इसको पीछे खींच रहा है, लेकिन ये जा ऊपर रहा है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट इसको, जिसको मन में याद है डायरेक्ट याद लगा देगा। ठीक है भाई, 6G और -4G और डिवाइडेड बाई 10,
मास इज 10 kg, मतलब आ जाएगा 2g/10, मतलब g/5, डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा। जब इसका प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इक्वेशन बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इट्स वेरी इफेक्टिव मेथड। चलो, ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, और ये जनरली जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो इसमें फ्रिक्वेंटली यूज होता है, और इसको इतना बार करते हैं बच्चे कि इसका आंसर ही याद हो जाता है बच्चों को, ठीक है। बट ये है कि ये जेई मेंस में भी आया कई बार और नीट में भी पूछा गया। ये कहता है कि वेज है, इस वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, जब इस वेज को एक्सलेशन ए दे दिया गया, तो हमें उस एक्सलेशन की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से जो उस एक्सलेशन ए की वैल्यू जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। यार समझो, अगर मान लो स्मूथ सरफेस है, तो अगर मैं स्मूथ सरफेस है और एक ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक एट रेस्ट में है, तो अगर मैं इसमें कोई मास रखूंगा तो क्या कभी रेस्ट में रहेगा क्या? यार कभी नहीं रहेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा इधर लग जाएगा। तो अगर ये स्मूथ है तो जैसे ही रखोगे कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी ब्लॉक रख दो वो नीचे ही आ जाएगा भाई। अगर इस पे हाथी भी रख दोगे ना तभी वो नीचे स्लाइड कर जाएगा, चीटी रख दोगे एंट तभी भी वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा स्मूथ सरफेस है तो एम जी साइन थीटा तो उसको एक्सलेट करा देगा। लेकिन अगर मैं इसी वेज को एक्सलेशन दे दूं और स्मूथ सरफेस रहने पर भी रेस्ट में हो जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग बात। तो उस एक्सलेशन की वैल्यू निकालनी है। चलो, अगर मैं स्मूथ सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो कंप्लीटली स्मूथ है, समझना, ये जो सरफेस है वो कम्प्लीटली स्मूथ है, लेकिन इस वेज को एक एक्सलेशन दे दूं, अभी भी ये स्मूथ ही है, अभी मैं ए स्मूथ ही है, ठीक है। लेकिन अगर ए एम मास का ब्लॉक है और ये वेज रेस्ट में नहीं है, पहले वेज रेस्ट में था, तो अगर मैं इसको एक्सलेशन दे दिया तो ये ऐसा पॉसिबल है कि एक खास स्पेशल एक्सलेशन के लिए ये रेस्ट में आ जाएगा यहाँ, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सलेशन के लिए वो ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो हमें उसी स्पेशल एक्सलेशन को निकालना है ना। चलो, तो इसको करने के कई तरीके हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, सबसे देखो, इसको इनर्शियल फ्रेम से कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर सकते हो, और देखो मैं कैसे करता हूँ, सबसे शॉर्टकट में कैसे करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल गया ऊपर, कोई दिक्कत, ठीक है, और फोर्सेज बोलो एम जी गई नीचे, क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी पर चढ़ जाऊँ, इस फ्रेम पर चढ़ जाऊँ, इस वेज पर चढ़ के बैठ जाऊँ, और मैं इस वेज से देखूँगा, मैं ये अब ये वेज भी आगे जा रहा है और मैं भी इसी के साथ आगे जा रहा हूँ बड़े आराम से, तो मैं इसी पे बैठ के आराम से इस वेज को देखूंगा तो मुझे वेज रेस्ट में दिखाई देगा। अगर वेज में रेस्ट में दिखाई देगा तो ये जो ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो सूडो लगाएगा ही लगाएगा यार, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो सूडो नहीं लगाए, ठीक है, वो उसको सूडो लगाना ही लगाना नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, तो ये लगाएगा सूडो ब्लॉक पे। सूडो किधर लगाते हैं? फ्रेम के अपोजिट, और जिस पे लगाया जाता है उसके मास के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो ये इधर लगाएगा एक सूडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी जिसपे लगाया जा रहा है, एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम एम में, ये तीनों फोर्स मिलके इसको रेस्ट में रखेंगे, ठीक है ना। आया समझ में? एक बार मैं यहाँ आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल गया ऊपर जो कि वेज लगाएगा, एम जी गई नीचे जो कि अर्थ लगाएगी, और सूडो गया इधर जो कि ऑब्जर्वर लगाएगा, ठीक है, एक्सलेटेड फ्रेम की वजह से। अब ये सभी फोर्स मिलके इसको रेस्ट में रखें। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखो एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व कर देते हैं। एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व कर दोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, अभी उसको करके देख सकते हैं। शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका ये है कि इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, इधर एक्स ले लो, इधर वाई ले लो, जैसे हम लेते हैं, तो मुझे नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा अपोजिट एंगल, तो नॉर्मल का दो कॉम्पोनेंट हो गया, एक गया ऊपर जो कि एन कॉस थीटा, और एक गया
इधर जो हुआ एन साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और वाई एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी तो जाके रेस्ट में रहेगा यार, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा है वो सूडो को बैलेंस किया होगा एम ए को, और एन कॉस थीटा बैलेंस किया होगा किसको, एम जी को। तो यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे एक्सलेशन, डिवाइड कर दो तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर दोगे तो ए बाई जी, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू जी टेन थीटा। दिस इज द पर्टिकुलर स्पेशल एक्सलेशन जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। आगे बात पूरी तरह से समझ में, ये वो खास इक्वेशन है। अगर मान लो कोई एम जी को रिजॉल्व कर देता है तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ अगर सूडो में इधर लगाया एम ए, ठीक है, नॉर्मल इधर लगाया और एम जी नीचे लगाया, ठीक है। तो अगर मैं एम जी को रिजॉल्व करता हूँ तो ये थीटा है, तो मुझे सूडो को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे अलोंग द प्लेन एक्स लेता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन वाई लेता है तो उसको दो दो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, एम जी को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, एम ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगा। उसको सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस लंबा चला गया, ठीक है। तो भाई अगर ये थीटा है तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया जो कि हो गया एम जी साइन थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया जो कि हो गया एम जी कॉस थीटा, और सूडो ये थीटा है तो सूडो का एक कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा इधर चला गया और ये आ जाएगा एम ए साइन थीटा इधर आ गया, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी साइन थीटा ने बैलेंस किया होगा किसको, एम ए कॉस थीटा को, एम ए कॉस थीटा को, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ, हाँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से भी डायरेक्ट, अब यहाँ से दो दो बार रिजोल्यूशन हो गया और यहाँ से ए निकालना तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा एक इक्वेशन। दूसरा, नॉर्मल वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा तो नॉर्मल इसको वर्टिकल वाला मोशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो बार रिजोल्यूशन से बचने के लिए वो वाला ज़्यादा बेहतर था, और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन जी टेन थीटा, यहाँ से भी ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एम जी को रिजॉल्व करते, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा, आप जैसे मैंने करा वैसे कर सकते हो आपकी सुविधा के। इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैंने किया, इसको इनर्शियल से भी कर सकते हो, ग्राउंड से भी कर सकते हो। ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो एम जी साइन थीटा ग्राउंड से कैसे करोगे, ठीक है। अगर इसी 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 को ग्राउंड से भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। ग्राउंड से अगर ये ब्लॉक है तो अगर ये वेज यहाँ पे है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे जब वेज इधर जाएगा ए एक्सलेशन से, तो इसको भी तो, इस ऑब्जर्वर को भी तो ये एक्सलेट होते हुए जाएगा, इधर नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को, ये भी इसके साथ एक्सलेट होता हुआ नजर जाए, इसको दिखाई देगा। तो ये बोलेगा कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो नॉर्मल लगा, एम जी लगा, यही दो रियल फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई रियल फोर्स लग ही नहीं रहा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग दो फोर्स रियल लग रहे हैं तो ये क्या बोलेगा, चलो किसी को कंपोनेंट कर दिया जाए। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा कर दिया और ये एन साइन थीटा कर दिया। तो ये बोलेगा कि अगर वर्टिकल में इसको नजर नहीं आएगा वर्टिकल में मोशन, तो ये बोलेगा मुझे वर्टिकल में मोशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो एन कॉस थीटा मस्ट बी एम जी के इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग जो ग्राउंड पे बैठा है। और ये बोलेगा कि ये ब्लॉक इसलिए आगे जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है क्योंकि एन साइन थीटा आगे लग रहा है, फोर्स आगे लग रहा है। तो ये लिखेगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो जो फोर्स है एक्सेलरेट करा रहा है वो एन साइन थीटा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। आप इनर्शियल से भी क्वेश्चन कर सकते हो, नॉन इनर्शियल से भी कर सकते हो, सूडो से भी कर सकते हो, पर कभी कभी सूडो ज़्यादा अच्छा होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये वही कर पाएगा जो उसको जो थोड़ा बहुत रोलिंग के बारे में, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो एक थ्योरेटिकल, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब हमें रॉन्ग चूज करना ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन वैसे भी जो व्हील होता है, जो व्हील होता है गाड़ी का,
जो गाड़ी का व्हीकल का साइकिल का जो व्हील होता है वो रोल करता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये स्टेटमेंट तो फिजिक्स का सही है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्म होता ही है। लिमिटिंग वैल्यू, अगर कोई सरफेस है इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो वो होता है म्यू एन, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल के तो प्रोपोर्शनल है ही। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा नॉर्मल बढ़ाते हो हैवी वेट होगा उतना ज़्यादा तगड़ा फ्रिक्शन लगेगा, दोनों में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी ना। तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है, हमें रॉन्ग चूज करना है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशन, ये बात हमेशा सही नहीं है, ठीक है। बट फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, ये 100% सही है, ठीक है। तो ये चलो अभी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायमेंशन ऑफ लेंथ। क्या म्यू का कोई म्यू, जो म्यू है उसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाई नॉर्मल। फोर्स मैक्सिमम क्या है यार, फोर्स है, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला एम नॉट एल नॉट टी नॉट आ गया यार, ये तो डायमेंशनल लेस होता है। तो ये बात गलत है, और ये गलत है तो यही यहाँ पे सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब देखो ये दो ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब नीट में पूछा गया है तो बेसिकली 2017 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका ये है कि ऐसे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जब जेई एडवांस और मेंस लेवल के पढ़ते हैं ना, स्प्रिंग ब्लॉक वाले बहुत बनते हैं। तो जो प्रोसेस करने का तरीका एक बार कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम उसका एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर स्प्रिंग काट देगा, स्ट्रिंग काट देगा, काट देंगे, ठीक है। कट करने के बाद कटने का कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कौन किधर जा रहा है, ठीक है। चलो तो इक्विलिब्रियम पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक 3m का ब्लॉक है, एक m का ब्लॉक है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k से जुड़ा हुआ है, और ये स्प्रिंग ऑब्वियसली इलॉन्गेट होगा यार। तो अगर मैं किसी टाइम बाद इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट दिया यार, कट कर दिया, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। वी वॉन्ट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक्स। चलो निकाला जाए। सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये 3m वाला यहाँ आ गया, ठीक है, और ये स्ट्रिंग आ गया, और ये m वाला, पहले कटिंग करने से पहले इक्विलिब्रियम में है, तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। तो 3m पे स्प्रिंग का फोर्स F, kx उधर लग रहा होगा, x क्या है, स्प्रिंग में इलोंगेशन, इस यहाँ टेंशन नीचे लग रहा होगा 3m पे, ये वाली स्ट्रिंग लगा रही होगी, साथ साथ अर्थ इस पे 3mg लगा रही होगी, और यह अगर इक्विलिब्रियम में है तो kx मस्ट बी इक्वल टू 3mg, kx मस्ट बी इक्वल टू 3mg प्लस टेंशन t, kx मस्ट बी इक्वल टू 3mg प्लस टेंशन t, इसका इक्वेशन लिख दिया मैं इक्विलिब्रियम में। अब इसका इक्वेशन लिखो, इस पे टेंशन ऊपर लगेगा और इस पे mg नीचे लगेगी, इस पे तो दो ही फोर्स लग रहा है, तो टेंशन t की वैल्यू mg आ गई। तो इन दोनों का मैंने इक्विलिब्रियम में इक्वेशन लिख दिया। अब जब मैं काटूंगा तो क्या होगा, सोचो, अगर मैंने सीजर लेके आया, कैंची लेके आया और इसको काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसको काट दिया, तो जैसे ही वेन कट, जब इसको हम कट करेंगे, वेन कटिंग, वेन जब कट किया जाता है तो किसी स्ट्रिंग को कट करने के बाद उसका टेंशन जीरो हो जाता है यार, उसका टेंशन जीरो हो जाएगा। तो पहले यहाँ इन दोनों, अगर टेंशन जीरो हो गया, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में से के एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि के एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस टेंशन को उठा के यहाँ रख दें, तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3mg और प्लस mg, कितना mg भैया, 4mg यार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4mg, दैट इज द के एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा के एक्स। लेकिन जैसे ही कट करोगे टेंशन जीरो हो जाएगा। अब अगर टेंशन जीरो हो गया, समझना इसको, टेंशन जीरो हो गया, अब ये जो 3m वाला था, 3m वाले पे 3mg नीचे लग रहा था, टेंशन नीचे लग रहा था और फोर्स kx ऊपर लग रहा था, ठीक है, क्लियर। जैसे ही टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन t इज इक्वल टू जीरो,
स्प्रिंग क्या थी? खिंची हुई थी यार, स्प्रिंग खिंची हुई थी, इलोंगेट थी, स्प्रिंग इलोंगेट थी। तो अगर फोर्स कम हुआ, टेंशन की वैल्यू कम हो गई ना, फोर्स इस ब्लॉक पे फोर्स कम हुआ, स्प्रिंग में फोर्स कम हुआ, तो स्प्रिंग ऊपर कॉम्प्रेस होगी, तो ये ब्लॉक ऊपर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नया इक्वेशन बना kx माइनस mg इज इक्वल टू ma। स्प्रिंग कट करने के बाद जो 3 kg वाला वो ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट खिंची हुई थी, फोर्स कम हुआ, थोड़ा सा कंप्रेस हो। चलो तो kx की वैल्यू उधर निकाल के लेके आए हैं 4 mg, तो 4 mg और 3 mg में से माइनस कर दो इज इक्वल टू ma। तो कुल मिला के इसका मास 3 है ना भैया, तो 3 तो 3 mg, तो 3 mg mg g, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 से ऊपर जाएगा कौन, 3m वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये छोटू m वाला किधर जाएगा। जैसे ही कट करोगे इस m वाले पे तो दो ही फोर्स लग रहा था, एक तो टेंशन लग रहा था, एक mg लग रही थी। जैसे ही टेंशन गायब हुआ, टेंशन जीरो हुआ, तो ये mg से नीचे गिरेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, तो फोर्स इज इक्वल टू ma, मतलब इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा a'=g, ये फ्री फॉल कर जाएगा, है ना, अच्छा प्रॉब्लम। तो a'=g और ये g/3 से ऊपर जाएगा और g से ये नीचे आएगा, है ना, तो ये g से भैया नीचे आएगा और ये g/3 से नीचे आएगा। है कोई ऑप्शन? देखो डायरेक्शन नहीं दिया है, तो ये g/3 और g, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b, दैट इज g/3 एंड g, तो बस मैग्नीट्यूड दिया है तो हम डायरेक्शन भी निकाल लिए। चलो ये ऑप्शन सही है। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट होता है, ये क्वेश्चन इतना मतलब अच्छा है कि ये सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है यार। ये कहता है एक स्ट्रिंग है हम लोग के पास जिसकी लेंथ L है, चलो मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, चलो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, कनेक्टेड टू ए मास लेस एम एंड द अदर इंडी विद पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। चलो बना लेते हैं टेबल, ठीक है, टेबल बना दूं, तो ये एक टेबल है यार, इतना गजब मैं डायग्राम बनाता था, ये डिजिटल बोर्ड की जो दुनिया है ना, ठीक है, स्किल कम कर दी ना, आई मेक द डायग्राम इन फिजिक्स वेरी वेरी गुड यार। तो ये एक टेबल है, इस टेबल पे, ठीक है, एक पेग है, पेग क्या होता है, किल, देसी भाषा में इसको किल बोलते हैं, या एक नेल है, किल है, और वहाँ से एक एल लेंथ की स्ट्रिंग अटैच है, उससे एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है, उसमें एक मास अटैच है, ठीक है, क्लियर है, एल लेंथ की एम मास पेग है ना स्मूथ, इफ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद स्पीड वी। अब देखो स्पीड वी से ये पार्टिकल इसी टेबल पे सर्कल में मूव कर रहा है ना, और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इधर होगी, ठीक है, चलो क्लियर है। ये स्ट्रिंग है अपनी और ये यहाँ पर पेग है, तो ये कहता है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर विल बी। अब देखो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड, फोर्स पूछा है, फोर्स मतलब रियल फोर्स यार, ठीक है, फोर्स मतलब नियर, डायरेक्टेड टुवर्ड द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है। तो बहुत सारे बच्चे इस पे बहुत सारे बच्चे इसको कुछ अलग अलग, कोई ये करता है, कोई ये करता है, ठीक है, नेट फोर्स, कोई अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग करते हैं। अब कभी भी हमेशा याद रखो इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम जब फोर्स पूछा है तो फोर्स में ग्राउंड से ही जनरली लेते हैं हम लोग, जैसे वेलोसिटी पूछता है तो ग्राउंड से ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम से, तो फोर्स पूछा तो मैं इनर्शियल फ्रेम से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से ग्राउंड से अगर मैं देखता हूँ तो सेंटर की तरफ मुझे कौन सा फोर्स दिखाई देगा बताओ। हम सबको पता है कि सर्कुलर मोशन या कोई पार्टिकुलर कर्व, सर्कुलर मोशन या ये कर्व,
इस टाइप का कर्व या कोई भी कर्व, पैरा प्रोजेक्टाइल, ऐसा कुछ कोई भी कर्व, कर्व पे चलने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो है नहीं यार, दिस इज द रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द नेट रियल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर। नेट रियल फोर्सेस का सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट होता है वही सेंट्रीपिटल ही बन जाता है। अरे समझ में ना भाई, जैसे है ना, एक आदमी है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल, जैसे मान लो एक किसी की शादी हो रही, समझना इसको, ठीक है, अब किसी की शादी नहीं है तो वो दूल्हा नहीं है यार, लेकिन जब शादी होती है, जब शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो एक स्पेशल हो जाता है तो वो पहले वाला आदमी ही है, ऐसा नहीं है कि वो पहले भी नहीं दूल्हा था, ठीक है, तो समझ रहे, मतलब पहले वो दूल्हा नहीं था लेकिन आज वो दूल्हा बना है, रीजन ये है तो वो वही यार, पर उसका रूप बदल गया है, ठीक है, आज के दिन वो स्पेशल है और उसका अलग से नाम है, उसको सम्मान ज़्यादा मिलता है, आज दूल्हा है, ठीक है। अब ऐसा तो कोई बराती नहीं होती जिसमें दूल्हा ही ना हो, ठीक है, तो अगर बराती बरात अगर होगी, शादी अगर होगी तो दूल्हा तो होगा ही होगा मेरे भाई, बिना दूल्हे के बराती कहाँ से आएंगे, ठीक है, ऐसा तो कोई शादी ही नहीं होती है, ठीक है, तो अगर शादी होगी तो दूल्हा तो होगा ना भाई, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटीपिटल तो होगी होगी, बिना सेंटीपिटल के तो कोई ऐसा सर्कुलर मोशन हो ही नहीं है, अगर पार्टिकल कर्व पे चला तो सर्कुलर मोशन होगा ही होगा, तो है तो वो इंसान ही पर उस दिन स्पेशल है, तो उसी तरह से यहाँ पे है तो वो फोर्स ही पर सर्कुलर मोशन में एक स्पेशल फोर्स है जो उसको बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल फोर्सेस, देखो इस पे रियल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, टेबल है, टेबल पे एक रखे हैं, तो टेबल पे जो रियल फोर्सेस हैं उस पे, इस टेबल पे जो रियल फोर्सेस हैं, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रही है, और इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है यार, टेबल पे बॉल रखा होगा और नेट स्ट्रिंग से अटैच है टेंशन टी, जो कि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि सेंटीपिटल फोर्स है भाई, ठीक है, तो नेट एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन टी टुवार्ड द सेंटर, ये सब गलत है यार, ठीक है। और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो वही टेंशन टी सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर एल होगा और उसको मैं एफ सी लिखूंगा, है ना, समझ रहे ना, अगर स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रिंग लटकी हुई है तो वो टेंशन टी है, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है वही टेंशन टी सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगा, है ना। चलो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजिड, ठीक है, एक रिजिड सरफेस है, एक रिजिड बॉल है, एक रिजिड इस टाइप का है सरफेस है और उस पे ए रिजिड बॉल आके कोलाइड करता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो रिजल्ट है या इस टाइप का रिजल्ट है वो फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है, 200-2500 जगह यूज होगा, तो आई होप कि इसको अगर रिजल्ट याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो विदाउट कंज्यूमिंग अलॉट ऑफ टाइम, ठीक है। एम मास का कोलाइड किया भी से, अगर भी से वापस जा रहा तो कोलिजन इलास्टिकली है, किसी भी टाइप की एनर्जी बर्बाद नहीं हुई है, तो हमेशा याद रखना जितना डिग्री पे कोलिजन करेगा उतना ही से वापस जाएगा, अगर इधर भी से कोलाइड किया भी कम वेलोसिटी से जा रहा तो एंगल कभी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये विदाउट रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से आया इधर चला गया रिफ्लेक्ट, तो कहता है वैल्यू ऑफ द इम्पल्स इम्पर्टेड ऑन द वॉल बाई द वॉल, इम्पल्स, इम्पल्स क्या चीज होती है, चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल, वॉल जो कितना इम्पल्स इम्पार्ट लगाया होगा बॉल पे, तो वॉल की वजह से इस बॉल पे कितना मोमेंटम चेंज हुआ निकाल लो, और चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चलो, तो हमारा टारगेट है इम्पल्स निकालना, चलो तो ये अगर भी से आया, इधर भी से आया, अब ऐसे तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स, इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई, अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं तो मोमेंटम को तो ऐसे निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, मोमेंटम को तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है भाई, मेरा एक्स ये है और मेरा वाई ऊपर है, तो भी का एक कंपोनेंट इधर आ गया जो कि हो गया ऊपर वाले भी का, भी कॉस 60
और एक कंपोनेंट इसका नीचे आ गया जो हो गया भी साइन 60। इसका रिजोल्यूशन हो गया, ये जो ऐसे आ रहा था वेलोसिटी उसका रिजोल्यूशन हो गया। अगर मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम एम बी कॉस 60 इधर आ गया, ठीक है, और एम बी साइन 60 नीचे आ गया मोमेंटम, ठीक है। अब जब वापस जा रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बदली है तो मोमेंटम चेंज जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलो तो जो वेलोसिटी ऐसे जा रहा, अब इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है। अगर ये ऐसे जा रहा तो समझना ऐसे इधर गया तो इसकी एक एक कंपोनेंट इधर आई जो कि हो गया भी एम बी cos 60 और एक कंपोनेंट इसका नीचे आएगा जो होगा एम बी साइन 60। तो y एक्सिस, अब देखो जो ऐसे जा रहा था रिजोल्यूशन आता ना यार सबको, जो ऐसे जा रहा था उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है। तो एक इधर गया और एक इधर गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो y एक्सिस में है कोलिजन से पहले y एक्सिस में मोमेंटम कितनी थी एम बी साइन 60 और कोलिजन के बाद भी y एक्सिस में मोमेंटम कितना है एम बी साइन 60। इसका मतलब ये हुआ y एक्सिस में मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पूछता कि चेंज इन मोमेंटम इन y एक्सिस, ठीक है, तो ये जीरो आता यार। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम चेंज भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स इंपोर्टेड बाय द वॉल ऑन बॉल इन y एक्सिस क्या है, जीरो है। तो जो बचा x एक्सिस वही है, क्योंकि x एक्सिस में पहले मोमेंटम इधर था एम बी कॉस 60, कोलिजन के बाद मोमेंटम इधर चला गया एम बी कॉस 60, तो ऑब्वियसली चेंज हुआ ना वेक्टर में। तो चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एक बार वेक्टर में कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम बी कॉस 60 जे कैप, ठीक है, माइनस एम बी कॉस 60 जे कैप, और माइनस साइन यहाँ घटाने की वजह से, और इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी कॉस 60 कॉस 60 जे कैप, कुल मिला के माइनस टू जे नहीं आई है ना आई, एक मिनट आई आ जाएगा, आई कैप है ना आई कैप, अरे आई कैप, ठीक है। तो माइनस टू एम बी कॉस 60 आई कैप, नेट चेंज इन मोमेंटम, और यही इंपल्स है, ठीक है। अब जिसको ये फार्मूला याद है डायरेक्ट वो कर लेगा, क्योंकि वो उसको बहुत बार पता है, ठीक है, उसको पता है। देखो कोई भी है उसको पता है अगर एक बॉल भी वेलोसिटी से हिट किया और भी से बाउंस किया तो चेंज इन मोमेंटम 2mb होता है, इसको याद कर लो, क्योंकि नीचे mb और ऊपर भी से जा रहा तो mb से आया था और mb मोमेंटम से जाने लगा तो मोमेंटम चेंज हो गया ना वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, तो 2mb होता है। तो इधर से आया ऐसे गया, तो जिसको याद है भाई बाउंस में मोमेंटम चेंज 2mb, क्योंकि कई बार यूज होगा यार, ऑप्टिक्स में यूज होगा, फोटॉन्स में, मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा, कई बार यूज होगा ये, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड देखो तो 2mb cos 60 बोलो cos 60 sin 30 1/2 को, मतलब mb चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और एम भी चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये देखो वीडियो पॉज करो खुद सॉल्व करो, और ये भी जो क्वेश्चन है समझ रहे हो ना, वो तो मैं तुम्हें इतना टाइम ले रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ये एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है तो कुछ लोगों को तो ये रिजल्ट ही याद है, क्योंकि ये थ्योरी में पढ़ाया ही जाता है। अब जिसको रिजल्ट याद है वो डायरेक्ट टिक करके आ जाएगा, क्योंकि वो उसको पता है ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। कोई भी गाड़ी अगर इंक्लाइन प्लेन पर मुड़ती है, ये इंक्लाइन प्लेन है और उधर से व्हीकल आ रही है, ठीक है, उधर से व्हीकल गाड़ी आ रही है, बोर्ड के अंदर से एक गाड़ी आ रही है इस टाइप से, ठीक है भाई, रोड पे जहाँ हम मुड़ते हैं समझ रहे ना, ये सब मैंने बहुत पढ़ाया थ्योरी में। जब कभी भी हम रोड पे मुड़ते हैं, मोड़ पे मुड़ते हैं, ठीक है, तो जो मोड़ पे थोड़ा सा जो रोड होता है वो डिल्ट होता है थीटा डिग्री। ये देखो ये हॉरिजेंटल रोड है, अब ये हॉरिजेंटल नहीं है यार, ये हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर है। तो ये जो डिल्ट है इस पर जब हम मुड़ते हैं तो उसकी एक स्पीड लिमिट होती है, वही स्पीड लिमिट
हमें याद है, अगर जिसको याद नहीं है वो डिराइव करेगा, क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करेगा तो चलो एक बार हम कर लेते हैं, ठीक है, एक बार आपके लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि अगर कोई इन मोड़ है, रोड है, और वो रोड जो है थोड़ा सा डिल्ट होता है और उधर से सामने से गाड़ी आ रही है, अंदर से गाड़ी आ रही है, ठीक है। और ध्यान देना कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन वो किसी प्लेन में होता है। अगर गाड़ी यहाँ है तो वो ये जो प्लेन है वो प्लेन है जिसमें सर्कुलर मोशन होगा। ये तो इंक्लाइंड प्लेन है यार, ये तो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। ये वो प्लेन है जिसमें सर्कुलर मोशन होगा और ये उस स्पेशल रेडियस है। अब अगर गाड़ी यहाँ पर है तो उस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं, सबसे पहले देखो। सबसे पहले जो नॉर्मल है इंक्लाइंड प्लेन इधर की डायरेक्शन में लगाएगा, अर्थ लगाएगी एम जी, वो सीधी लगाएगी यार, ठीक है। अर्थ लगाएगी एम जी, वो सीधी लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है, मैं इतना अच्छे से इसको थ्योरी में पढ़ाया हूँ, फ्रिक्शन किधर लगेगा देखो, ध्यान देना। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है। अब ये अब रोड डिल्ट हो गया, अगर इधर से गाड़ी आ रही है, मेरे साइड से उधर जा रही है, तो एक्चुअली जो गाड़ी है वो पहले सीधी आ रही थी यार, सीधी आ रही थी। तो गाड़ी की जो टेंडेंसी होगी, अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो गाड़ी की यहाँ दो टेंडेंसी होगी, ठीक है। अगर बहुत स्पीड कम है तो डिल्ट पे गाड़ी नीचे आ जाएगी, लेकिन हम ऐसा होता नहीं है, जनरली हम हाई स्पीड रखते हैं। तो स्पीड ज़्यादा है एक लिमिट, तो गाड़ी की जो टेंडेंसी होती है वो बाहर जाने की होती है, इस प्लेन से बाहर जाने की। तो जो उसके व्हील है, जो पहिए हैं, वो इस ग्राउंड से, ग्राउंड ऐसा है यार, ग्राउंड से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के नीचे यहाँ पे लगेगा भाई, देखना ध्यान से समझना, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड। ये तीन फोर्सेज मिलके उसको सर्कुलर मोशन कराएंगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ कि जिस तरह से बिना दुल्हे के शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसी तरह से बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन या कर्व पे मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है, ये भी एंगल थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें फ्रिक्शन रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हमें सभी फोर्सेस अलोंग द रेडियस या इस प्लेन के, सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। तो भैया मुझे फ्रिक्शन और नॉर्मल को तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो रेडियस के अलोंग आ रहा। जब कभी भी सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सभी फोर्सेज अगर यहाँ पर है तो सभी फोर्सेज या तो इसी लाइन में आना चाहिए या तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आने चाहिए, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल और फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। चलो, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एन कॉस थीटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर के लॉन्ग एन साइन थीटा, ठीक है। तो उसी तरह से फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट सेंटर के एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट वर्टिकल जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा एम जी एन कॉस थीटा को बैलेंस कर लेंगे, और जो एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा है जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं वही जाके सेंटीपिटल बन जाएंगे ना, रियल फोर्सेज सेंटीपिटल का नाले लगेगा, ठीक है। कहानी सुनाया हूँ ना वो, जिस तरह से आदमी जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन कॉस थीटा वाई एक्सिस में एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा उसी प्लस एम जी के इक्वल होगा, क्लियर है। और एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर, और यही हम लोगों को चाहिए भी, ठीक है। मुड़ने से देखो, इसे डिल्ट करने से फ़ायदा क्या है, डिल्ट करने से फ़ायदा है नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटीपिटल दे रहा है। पहले हम फ्रिक्शन पे बिलीव करते थे, लेकिन फ्रिक्स अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर देता हूँ तो फ्रिक्शन के साथ साथ एक और नॉर्मल भी आ जाता जो हमें स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है ना, मुड़ने में आसानी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ थ्योरी में, ठीक है। चलो, अब हमें बी निकालना, बी निकालने के पहले मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा एन एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू
एन हो गया, एन कॉमन हो गया, माइनस एन साइन थीटा दैट इज एम जी। अरे समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू मी यू एन नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल मुझे दिखने लगेगा एम जी, ठीक है, एम जी कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, ये है भैया नॉर्मल आ गया। अब इस नॉर्मल को उठा के दो में रख दोगे, ठीक है, इस नॉर्मल को उठा के इस वाले में रख दो सेकेंड इक्वेशन में, तो एन साइन थीटा, एन साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है म्यू एन, तो म्यू एन कॉस थीटा और सेंटीमीटर फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो ये एम बी स्क्वायर ओवर आर, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो एम जी, एम जी अपन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये आ गया भाई मल्टीप्लाई कर दिया क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया एम बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो मतलब एम ने एम को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे छोटी गाड़ी अल्टो आ रही है, नैनो आ रही है, ट्रक आ रहा है, हाथी आ रही है, घोड़ा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। मास मुड़ने से मास ने मास को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सेंटीपेटल फोर्स उस वक्त मास पे डिपेंड नहीं, मुड़ने की जो स्पीड है वो मास पे इंडिपेंडेंट है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आर जी और कॉस से डिवाइड कर दो तो वन प्लस म्यू, वन कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो तो म्यू प्लस टेन थीटा कर लोगे ना, इसको कॉस से डिवाइड कर वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, और ये सब आ गए रूट के अंदर। ये जो स्पीड है वो एक मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड से मुड़ोगे तो गाड़ी बाहर चली जाएगी। ठीक है, और एक लिमिट से स्पीड कम रहती है तो गाड़ी नीचे भी आ जाएगी, है ना, इंटरेस्टिंग बात। मतलब एक खास एक वेलोसिटी का रेंज है यहाँ सा, जहाँ हमसे मुड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, एक बहुत कम स्पीड होगी तो गाड़ी नीचे स्लाइड कर जाएगी। एक वेलोसिटी का स्पेशल रेंज है जहाँ पे आराम से मुड़ो ना मजे से। ठीक है, चलो ये कहता है हमारे पास दो स्टोन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। कहता है दो स्टोन है, एक का मास एम है, एक का मास 2m है, उनको एक हॉरिजेंटल सर्कल में घुमाया जाता है जिसकी रेडियस अलग अलग है। चलो हॉरिजेंटल सर्कल बना लेते हैं, बोर्ड पे ऐसे बना लिया मैं ये, तो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये तो ये कहता है टू मासेस, एक का मास m है जिसकी रेडियस r है, इसका मास m है और रेडियस r है, और ये 2m वाला रेडियस r by 2 में है। कहता है टेंजेंशियल स्पीड ऑफ वन, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर, लाइटर कौन है, हल्का कौन है, एम वाला, तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड, अगर टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर इज एन टाइम्स दैट, अगर इसकी जो हैवियर वाला है उसकी स्पीड भी है तो इसकी स्पीड जो होगी वो एन भी होगी। ठीक है, एन टाइम्स है। तो कहता है दे एक्सपीरियंस सेम सेंटीपीटल फोर्स देन द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है यार, फाइंड द वैल्यू। सेंटीपिटल फोर्स सेम है, एफ वन बराबर एफ टू, तो पहले वाले में सेंटीपिटल फोर्स लिखो, सेंटीपिटल फोर्स इस बड़े वाले में लिखो रेडियस, सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर होता है, एम बी एन स्क्वायर बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर ओवर आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स एम टू एम, और वेलोसिटी एम बी स्क्वायर ओवर आर, आर की पावर आर और टू ऊपर चला गया फोर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, एन की वैल्यू आ जाएगी टू, सी ऑप्शन सही है। ये कहता है देखो एक प्लांक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। एक प्लांक है जिस बॉक्स है ऑन इट, उस प्लांक पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पे एम जी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अर्थ लगा रही है, एंगल 30 डिग्री है। कहता है बॉक्स स्टार्ट स्लीपिंग, स्लीपिंग नीचे आना स्टार्ट कर दिया एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन इन 4 सेकंड। 30 डिग्री पे ब्लॉक स्लाइड करना एट द एंगल ऑफ द 30 डिग्री हॉरिजेंटल, 30 डिग्री पे ब्लॉक स्लाइड करेगा।
ठीक है, मतलब उसे नीचे स्लाइड नहीं करेगा, उसे नीचे रेस्ट में रहेगा, उसे ऊपर तो करेगा ही करेगा। अब 30 डिग्री पे यहाँ पे 4 मीटर स्लाइड कर दिया, तो कहता है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, हमें निकालना है म्यू एस और म्यू के कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो, तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको थोड़ा सा भी फ्रिक्शन के बारे में आइडिया होता है। चलो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये एक थीटा एंगल है, हमको पता है कि एक एंगल स्पेशल एंगल होता है थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिस पे अगर जिस एंगल पे अगर कोई ब्लॉक यहाँ आया तो उसको नीचे उस एंगल पे, समझना मेरी बात ध्यान से, उस एंगल पे जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम लगता है और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और उसकी कोफिशियंट ऑफ म्यू होती है और उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं और यहाँ एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे कंपे कभी भी नीचे नहीं आएगा, 30 डिग्री पे नीचे इक्विलिब्रियम में रहेगा, जस्ट स्लाइड अप टेंडेंसी है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो म्यू होता है म्यू वो टैन थीटा के इक्वल होता है ना, और इस समय जो म्यू है वो स्टैटिक होता है, तो म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू टैन 30, टैन 30 इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 को जब सॉल्व करोगे तो 0.6 आ जाता है, ठीक है, समझ रहे ना, पहला केस है। अभी जब कभी भी, समझ रहे ना, इस स्पेशल एंगल पे फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज है थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है भाई, उस पे जो फ्रिक्शन लगती है मैक्सिमम फ्रिक्शन लगती है और उस वक्त म्यू जो होता है म्यू एस वो स्टैटिक लगता है, इसके बाद तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 0.6 मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, तो क्या पूछा है, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, मतलब ये हुआ या तो डी ऑप्शन सही है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो डी सही है और या बी सही है। अब जो बच्चा स्मार्ट है उसको ये बात पता है कि कोफिशियंट ऑफ ये जो है वो काइनेटिक और ये फ्रिक्शन इक्वल नहीं होता, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक से, ठीक है, स्टैटिक का आधा होता है, तो ये भी कभी सही नहीं हो सकता और ये सही होगा, ठीक है, वो एक लाइन में सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो मेहनती बच्चा है, जो हार्ड वर्कर है, वो दोबारा म्यू के लिए सॉल्व करेगा, तो चलो हम भी सॉल्व कर देते हैं, म्यू के भी निकालते हैं। इसके बाद इस एंगल पे स्लाइड करके यहाँ आ गया और ये 4 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। अब जब स्लाइड करके यहाँ आ गया तो उसको म्यू के लग रहा होगा, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब 4 मीटर स्लाइड किया, टाइम लग गया कितना स्लाइडिंग में, टाइम दिया होगा 0.4 सेकेंड, टाइम लग गया 4 सेकेंड 4 मीटर स्लाइड किया। हमको पता है कि जब कभी भी ब्लॉक स्लाइड करता है इस तरह के सिचुएशन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग को याद है, और जिसको याद नहीं है वो इक्वेशन लिखेगा, ठीक है। नीचे अगर स्लाइड करता है तो एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना। अब ये इक्वेशन जिसको याद नहीं है वो, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, वो इक्वेशन लिखेगा। कैसे लिखेगा एक बार मैं उसको लिख के बता दे रहा हूँ, एम जी साइन थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और ये एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू फ्रिक्शन फोर्स ये, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डालोगे तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, और जी जी कॉमन ले लिए तो देखो वही एक्सलेशन आ गया। अब ये जो एक्सलेशन है वो एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इक्वेशन हम उसे लगा सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हो आप, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, ए टी स्क्वायर। जब ये चला था तो रेस्ट से चला था, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया, हाफ एक्सलेशन ये ऊपर वाला टाइम लग गया टी स्क्वायर, तो एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी 8 अपन टी का स्क्वायर, 8 अपन टाइम टी आ गया 8/16, मतलब 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आ गया। इसको ले जाके यहाँ पर रखोगे और जी की वैल्यू रखोगे, साइन 30 रखोगे, तब जाके म्यू के पता चलेगा, है ना, कितना लंबा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 रखे, जी की वैल्यू 10 रखे, साइन 30 रखे, माइनस म्यू के हमें चाहिए, कॉस 30 रखे,
और उसके बाद सॉल्व किए और यह आ जाएगा 0.5। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा उसको पता है कि एंगल ऑफ रिपोज पे स्लाइडिंग होती है, तो एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस टेन थीटा होता है, उसने निकाल लिया, बाकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले स्टैटिक पूछा है और ये कभी स्टैटिक और काइनेटिक के बराबर होता नहीं है, ये हमेशा कम होता है, तो ये वाला प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। ये स्मार्ट वे है, दैट इज़ ए स्मार्ट वे। ठीक है भाई, कॉम्पिटिशन जो है वो पेपर इज डिज़ाइन टू टेस्ट योर पेशेंस। ठीक है, समझ रहे हो ना, इस तरह से डिजाइन होता है आपका पेशेंस चेक करने के लिए, इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करने के लिए। वहाँ फिल्टर है, पेपर एक फिल्टर है, दूध में से क्रीम को निकालने का एक तरीका है पेपर। 14 लाख बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे बैठते हैं, समझ रहे हो ना, उसमें से हमें MBBS में 40,000-50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट में, और प्राइवेट मिला दोगे तो और है, तो उतनी सीट हमें चाहिए। तो क्रीम, तो ये जो पेपर है उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि क्रीम पूरा बाहर आ जाए, ठीक है, और बाकी प्राइवेट में चले जाएं। टू ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक्स का प्रॉब्लम है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है भाई। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को मैं आपको जो थियोरेटिकल लेक्चर है उसमें मैं आपको बताया हूँ कि ट्रिक्स कैसे करते हैं, एक लाइन में कैसे करते हैं। अब जिसको ये ट्रिक्स नहीं पता है वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। चलो, तो अगर तीन ब्लॉक है, हमने एक फोर्स लगाया, एक 4 kg का है, चलो एक 4 kg का है, एक 2 kg का है, एक 1 kg का है, ठीक है। अब इस पर मैंने 14 N इधर फोर्स लगाया 4 kg पे, तो कहता है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी कहाँ भाई, ए है, ए बी है, इसके बीच कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल, चलो एक बार 4 kg, 2 kg, 1 kg, 14 N, इस टाइप का प्रॉब्लम है ये, समझो ये 4 kg, 2 kg, 1 kg, और इस पर 40 N लगा, ठीक है। तो जो ट्रिक मैं पढ़ाया था, अगर उस ट्रिक से करोगे तो ये एक लाइन में हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ फटाक से निकल जाएगा। कैसे मैं बताया था, मैंने एक मेथड बताया था कि ठीक है, डाइजेस्ट कर जाना, खा जाना, अपने पास रख लेना। जब इस पर 14 N लगा तो ये स्मूथ सरफेस है, सभी को पहले एक्सलेशन निकाल लो। एक्सलेशन कितना हो जाएगा इस पूरे तीनों ब्लॉक का, एक्सलेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपन मास। फोर्स कितना लगा, 14 N। टोटल मास कितना, 4, 2, 6, 1, 7 इक्वल टू 2 m पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेट करेगा। ये तीनों ब्लॉक कॉमन एक्सलेशन से चलेंगे आराम से। अब इसको चलने के लिए कितना चाहिए, इसको चलने के लिए चाहिए 4 mass है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 mass है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 = 8 N चाहिए। तो 14 N लगा तो 8 N अपने पास तक लगा तो 6 N आगे भेज देगा, तो 6 N इसका सलूशन सही है। अब ये 6 N आगे भेज दिया और इसको आगे जाने के लिए, और 2 इसका मास है, 2 एक्सलेशन है, 4 चाहिए, तो 6 में से 4 निकल गया तो 2 N ये आगे बढ़ गया, यहाँ पर नॉर्मल 2 N हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। अब जिसको नहीं आएगा ये मेथड, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो थ्योरी वाला लेक्चर देखे, और जिसको अगर ये नहीं आएगा वो नॉर्मल बच्चा ऐसे करेगा, नॉर्मल बच्चा ऐसे करेगा, इस पर 40 N लगाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, यहाँ नॉर्मल N1 हो गया, इस पर 14 N लग गया, इसका एक्सलेशन 2 m/s² हो गया, तो इक्वेशन लिखेगा कि 14 - n1 = 2 m, इसका 2 और मास इसका 4 = 8 N, दैट इज 14 - n1, ठीक है, तो ये आ जाएगा n1 = 6 N, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ भी निकालना हो तो फिर एक बार और करेगा, इस तरह तीन बार निकालना हो तो 3 बार टाइम कंज्यूम होगा, जबकि इस मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और वो मैं आपको पढ़ाया हूँ। चलो ये अब देखो, ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं क्वेश्चन कि जो नॉर्मल बच्चा और जो इंटेलेक्चुअल बच्चा है उसके क्वेश्चन करने के तरीके में ही डिफरेंस होता है यार, ठीक है। चलो, ये कहता है कि एक ब्लॉक मास एमन रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, चलो बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक पुली लगी हुई है और यहाँ से एक ब्लॉक रखा हुआ है M1, ठीक है,
M1, a progression horizontal table, a light string connected to pass over the pulley edge of the table from another block B. यहाँ से light pulley है और M2 नीचे लटका हुआ है. M2 नीचे जाएगा और M1 इधर आएगा. दोनों का acceleration same होगा. Coefficient of kinetic friction block and table, यहाँ पर coefficient of kinetic friction mu k है. ठीक है, आया समझ में. The block A is sliding on the table, tension in string. चलो, तो टेंशन इन स्ट्रिंग, अगर ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है तो टेंशन इन स्ट्रिंग. अब एक बच्चा है इसको नॉर्मल तरीके से करेगा, ठीक है, एक बच्चा है इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, इक्वेशन बनाएगा, सॉल्व करेगा, और दूसरा जो ट्रिक्स लगाएगा. ठीक है, ट्रिक्स कैसे लगाएगा, जो थीरी अगर मेरा देखे होगे तो उसमें मैं ट्रिक्स पढ़ाया हूँ सारा. तो यहाँ से टेंशन टी लिखेगा. पहले ट्रिक्स से कर लेते हैं, देखो कितना आसान है ट्रिक से करना. ट्रिक्स टेंशन टी लिखना ना इस स्ट्रिंग में. टेंशन सेम है हर पॉइंट पे. फॉरवर्ड फोर्स कितना है, एम टू जी. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बैकवर्ड मास एम वन, और प्लस बैकवर्ड फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन है म्यू के और आ जाएगा नॉर्मल एम वन जी मल्टीप्लाइड बाई एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एम वन एम टू जी कॉमन हो गया वन प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. इसका मतलब ये हुआ कि म्यू के एम वन प्लस एम टू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है. ठीक है, अब जिसको नहीं आता है ये ट्रिक वो कैसे करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. इस वाले पे देखो, ये टेबल है, इस वाले पे टेंशन टी इधर लगा, इस वाले पे फ्रिक्शन इधर लगा. तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसका मास कितना था, ट्रैक्शन माइनस एम वन जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है देखो, दूसरा वाला नीचे आ रहा है एम टू जी, इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है. ठीक है, दूसरे वाला ब्लॉक जो है वो उस पर टेंशन टी ऊपर लगा, एम टू जी नीचे लगा. तो इसका इक्वेशन एम टू जी माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू एम वन ए. ये एक्सलेशन ए होगा बेटा, एक्सलेशन ए होगा एम वन ए इक्वेशन नंबर टू. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें जाके टेंशन पता चलेगा. ठीक है, अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इनको जोड़ूंगा, तो एक्सलेशन निकालूंगा, एक्सलेशन निकालने के बाद इसमें रखूंगा, है ना, लेंदी प्रोसेस कर दो. चलो कर ही देता हूँ, इन दोनों को जोड़ दूं तो टेंशन ने टेंशन को, तो एम टू जी और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू होता है म्यू के एन. ठीक है, इसका म्यू के एम वन जी आ गया, तो यह आ जाएगा माइनस म्यू के एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई ए एम टू है. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन हो जाएगा वो एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. तो ये अभी तो एक्सलेशन आया यार. ठीक है, क्योंकि टेंशन में डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकता, वी कैन नॉट कैलकुलेट द टेंशन विदाउट कैलकुलेटिंग एक्सलेशन. भले यार एक्सलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो टेंशन. अब इसको उठा के रखो, इसको उठा के ए को उठा के इसमें रखो, तो ए को उठा के अगर इसमें रखोगे, कहीं टेस्ट हो गया क्या, ए को उठा के इसमें रखोगे डॉट डॉट डॉट, इसमें टच हो गया था, तो ए को उठा के इसमें रखोगे तब जाके टेंशन आएगा. ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना उतना ही आएगा, बट दिस प्रोसेस इज लेंदी एंड ट्रिक इज वेरी इफेक्टिव. जो ट्रिक्स होते हैं वो काफी इफेक्टिव होते हैं. चलो इसको करो, ये एक क्वेश्चन है. इसको भी आप अगर ट्रिक से करोगे तो एक लाइन में कर सकते हो, अगर ट्रिक से नहीं करोगे तो नॉर्मल प्रोसेस से करोगे तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा यार. ठीक है, और अगर जिसको टाइम, ये कंपटीशन ही डिज़ाइन किया जाता है क्या, टाइम बचाने के लिए. तो अगर टाइम बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो टाइम क्यों नहीं बचाएं, टाइम कैसे बचेगा वो, जब आप अच्छे वाले ट्रिक सीखोगे तब. ये कहता है एम टू एम थ्री है एम वन है, तीनों के मासेज इक्वल है और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है. जब इनको छोड़ोगे तो ये इधर आएगा ये एक्सलेशन से, और वो दोनों को साथ लेके आएगा अपने साथ. तो कहता है डाउनवर्ड एक्सलेशन एम वन की एक्सलेशन, एक्चुअली तीनों का एक्सलेशन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में. ठीक है, तीनों का एक्सलेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ये ऐसे. ठीक है, तो
इसको पहला तो तरीका ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, उसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका है ट्रिक, ठीक है। ट्रिक से कैसे करोगे कि देखो, ट्रिक से कैसे करोगे, एक्सेलेरेशन डायरेक्ट निकालने का क्या फार्मूला पढ़ाया था मैं, नेट पुलिंग फोर्स और डिवाइडेड बाई, इनको दोनों को एक मान लो, इन दोनों को एक में कंबाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को अगर एक में कंबाइंड कर लोगे तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, M1G और माइनस नेट अपोज करने वाला बैकवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन म्यू के नॉर्मल M1 प्लस M2 नॉर्मल आ जाएगा M2 प्लस M3G और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर ये तीनों बराबर है, M1 M2 देखो M1 M2 M3 तीनों बराबर है, तो अगर तीनों बराबर है तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे तीनों बराबर है तो M मतलब आ जाएगा, यहाँ से G कॉमन आ गया और जी कॉमन आ गया और यहाँ से आ गया 1 - 2 μ और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जी 1 - 2 μ डिवाइडेड बाई 3, दैट इज सी ऑप्शन सही है। और नहीं तो प्रोसेस से करो, ठीक है। ये तो रहा ट्रिक, इससे तो बहुत आसानी से कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये तो एक लाइन में हो गया। और नहीं तो अगर आप प्रोसेस से करोगे तो देखो, प्रोसेस से कैसे करोगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पुली लगी थी, ठीक है, और चलो यहाँ ऐसे पुली लगी थी, पुली पास हो रही थी, ये स्ट्रिंग। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहले देखो इधर कौन सा मास था, सारे मास इक्वल है, ठीक है, AM है, चलो AM ले लेते हैं, ठीक है। इधर लगा MG माइनस, इस स्ट्रिंग में टेंशन T ले लेता हूँ, इस स्ट्रिंग में टेंशन T, MG माइनस T इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो, इसमें टेंशन T इधर लगा और यहाँ पे टेंशन T डैश लिख देता हूँ, T डैश, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई भाई, और साथ साथ इस पे फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बना, और ये भी ए एक्सलेशन से इधर ही आ रहा है, तो टी माइनस फ्रिक्शन प्लस टी डैश इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखो, छोटू वाले का सबसे लास्ट में जो है, छोटू नहीं, तीनों बराबर है, तो ये टी डैश यहाँ लगा और इस पे फ्रिक्शन बाहर लगेगा, तो इसका इक्वेशन है टी डैश माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू MA। ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन वेरिएबल है, अब इनको सॉल्व करके A निकालो, और इट मेथड इज लेंदी। अगर हमें निकालना है, इन तीनों को सॉल्व करो और कैलकुलेट करो, सॉल्व दिस थ्री एंड कैलकुलेट द एक्सलेशन A, दैट इज लेंदी मेथड। तो ट्रिक जो है मोर इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है, इसको ट्राई करना, और दूसरे लेक्चर में हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू शुड अपना बहुत ख्याल रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।